बात करेंगे हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। हम इस पूरे चैप्टर में कब से क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक बात क्लियर नहीं हुई, दैट इज द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि अगर कॉमन नेम्स की बात की जाए तो हर लैंग्वेज में एनिमल्स एंड प्लांट्स के नेम्स डिफरेंट हैं। सो क्लासिफाई कर भी दें तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा एनिमल क्या है? वुडन्ट इट कॉज ग्रेट कन्फ्यूजन? इसीलिए अ स्टैंडर्ड मैथड वॉज रिक्वायर्ड दैट वुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टू नेम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसी मेथड को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स। हर साइंटिफिक नेम में दो नेम्स होते हैं, एज क्लियर फ्रॉम द बाइनोमियल। पहला नाम जीनस का होता है और दूसरा नाम स्पीशीज का। अब ये सारा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कारनामा एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरोलस लिनियस का था, जिसने सबसे पहले ये सिस्टम अडॉप्ट किया। जब बाकी बायोलॉजिस्ट ने देखा तो दे ऑल अग्रीड विद इट एंड अडॉप्टेड इट। और मजे की बात यह है कि लिनियस के दिए हुए नेम्स आज भी यूज किए जाते हैं। जिस तरह हर सिस्टम के कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरह बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के भी कुछ रूल्स हैं। साइंटिफिक नेम्स को हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है, और अगर आप बाय हैंड लिख रहे हैं तो इटैलिक्स की बजाय उसे अंडरलाइन कर दिया जाता है। फर्स्ट नेम यानी जीनस का नाम और जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटलाइज करते हैं, और सेकेंड नेम का फर्स्ट लेटर शुड नेवर बी कैपिटलाइज, इट शुड ऑलवेज बी स्मॉल। जब साइंटिफिक नेम पहली दफ़ा यूज होता है तो पूरा लिखा जाता है, लेकिन ओवर टाइम जब एक जीनस की बहुत सी स्पीशीज आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको एब्रिविएट भी किया जा सकता है। लाइक एस्चेरेशिया कोलाई इज नाउ रिटन एज ई कोलाई फॉर एस, E being the denote the genus। बात करते हैं binomial nomenclature के significance की। अब biological research में सबसे बड़ा मसला है confusion with common names and use of interchangeable names for different organisms। For example, हम onion को उर्दू में प्याज कहते हैं, लेकिन उसका एक common name है गंडा, and it's even called basal and mussel across Pakistan, लेकिन it has a fixed scientific name that is Allium sepa। इसी तरह एक वेजिटेबल है टर्निप, जिसे उर्दू में शलजम कहते हैं। लोग इसी नाम को बिगाड़ कर शलगम बोलते हैं। पोठोहार और हजारा के एरिया में चले जाएं तो ये शलजम ठिप्पर बन जाता है, और सेंट्रल पंजाब में चले जाएं तो ये शलजम गोंगलू के लाया जाता है। अब इन सारे नेम्स में बायोलॉजिस्ट बेचारा तो फंस गया ना, इफ ही डजंट नो द रीजनल नेम्स। हेंस द फिक्स्ड साइंटिफिक नेम दैट इज ब्रासिका रापा। कॉमन नेम्स के साथ एक मसला ये भी है कि दे हैव नो साइंटिफिक बेसिस। एक फिश की बात की जाए तो इट्स अ वर्टिब्रेट विद फिन्स एंड गिल्स, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के साथ फिश लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर फिश, सरप्राइज इट्स नॉट अ फिश। देन स्टार फिश, नोप अगेन नॉट अ फिश। Crayfish, oops, not at all fish from any angle. Jellyfish, it would have been more appropriate to simply call it jello. Then cuttlefish, now that's a relative of octopus, but not a fish. यही वो सारी confusion है जिससे बचने के लिए scientific names पे rely करते हैं, जो कि throughout the world same होते हैं और उसमें किसी किस्म की कोई variation नहीं आती। So if you become a zoologist or a botanist, let me tell you, binomial nomenclature is going to be your best friend.